नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। बात करने जा रहा हूँ FMCG ग्रुप के एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर कंपनी के बारे में, और कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी की विजन और मिशन को पढ़ के दोस्तों दिल खुश हो जाता है। तो क्या है कंपनी का विजन और मिशन जिन्होंने जो कि इन्होंने दर्शाया है, इसके ऊपर मैं सीधे आपको लेके चलूंगा। ये देखिए, विजन टू बिकम इंडियाज लार्जेस्ट FMCG कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डाइवर्सिफाइड अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड जियोग्राफीज। अब देखिए, ये जो है सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बनेगा दोस्तों FMCG सेक्टर में। नेक्स्ट है मिशन टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन फॉर द FMCG इंडस्ट्री इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये जबरदस्त विजन और मिशन के साथ काम करते हुए नजर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी के रिलेटेड और कुछ पैरामीटर के ऊपर। ये देखिए, कंपनी का जो गोल इन्होंने जो सेट किया है दोस्तों, ये भी देखना हमको जरूरी है। देखिए, आवर गोल फॉर FY22 कंटिन्यूज टू बी टॉप लाइन ऑफ ₹2000 करोड़। आप देख पा रहे हैं जबरदस्त इनके ये इनका जो गोल देखिए सेट करके रखे हैं, 2000 करोड़ का ये टॉप लाइन रेवेन्यू दोस्तों यहां पर हासिल करने जा रहे हैं। आवर विजन 2025 इज टू डबल द टर्नओवर इन नेक्स्ट 3 ईयर्स बाय एक्सप्लोरिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज। देखिए, बोथ ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली कंपनी 2025 तक अपने टर्नओवर को दोस्तों ये यहां से भी डबल करने जा रहा है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस हद तक कंपनी काम कर रहा है दोस्तों, और कैसे काम करते हुए आपको दिख रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो कुछ की डेवलपमेंट जिसके तहत ये सब गोल ये हासिल करेंगे। पहला नंबर है द उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट इज अंडर प्रोग्रेसिंग वेल। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है इनका जो कि जबरदस्त यहां पर प्रोग्रेस कर रहा है, और इसकी मशीन भी इंस्टॉल हो गए हैं। एंड द कंपनी रिमेंस कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन Q4 FY22। यहां से Q4 FY22 तक यहां से प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फर्दर द टू द अनाउंसमेंट ऑफ द सेटिंग ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस डिवीजन। इसमें भी कुछ काम करें, द बोर्ड हैज ऑथराइज द मैनेजमेंट टू इन्वेस्ट ₹100 करोड़ बाय वे ऑफ एक्विजिशन एंड सेटिंग ऑफ ए न्यू फैक्ट्री। ये भी न्यू फैक्ट्री यहाँ पर बना रहे हैं जहाँ की 100 करोड़ ये इन्वेस्ट करेंगे। ऑल्सो देखिए कंपनी, देखिए कलर कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ये कंपनी 30 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, द कंपनी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री इन तमिलनाडु व्हिच विल बी मेकिंग स्पोर्ट्स शूज, नीटेड शूज फॉर वेरियस कस्टमर्स। ये देखिए, यहां पर से भी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, रेवेन्यू आने लगेगा तमिलनाडु प्लांट से। नेक्स्ट है कुछ इनका जो अरेंजमेंट है, अमलगामेशन है, ये भी दोस्तों रिजल्ट अवेटेड है NCLT का, यहां से भी रिजल्ट बहुत जल्द इनको प्राप्त हो जाएगा। काफी जबरदस्त आउटलुक और यहाँ पर जो ग्रोथ दोस्तों यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है यहाँ पर नजर आता है। बात करेंगे कंपनी के रिलेटेड और कुछ पॉइंट के ऊपर। कंपनी देखिए, कैपेक्स फूड एंड बेवरेज सेगमेंट में उत्तर प्रदेश में ये कंपनी देखिए 125 करोड़ का कैपेक्स करेगा। हैदराबाद में देखिए होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में 150 करोड़ का कैपेक्स करने जा रहा है। न्यू कैपेक्स है 130 करोड़ हेल्थ एंड वेलनेस एंड कलर कॉस्मेटिक्स डिवीजन में। आप डिटेल में इसकी दोस्तों या जो प्रेजेंटेशन में आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंपनी का जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ काम करते हुए नजर आता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कंपनी फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में काम करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक्सट्रैक्टेड स्नैक्स एंड केयरलेस यहाँ इसमें काम करता है। फैब्रिक केयर, हेयर केयर, ये टॉयलेटरीज, होम केयर, ये तमाम जैसे कि जो FMCG वाली जो हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी में यूज़ आता है दोस्तों, ये जो यूज़ करते हैं यहाँ पर, ये कंपनी इसका मैन्युफैक्चर करते हुए आपको दिखेगा।
अपने क्लाइंट के लिए। जनरली ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर वाली कंपनी है, हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में काम करता है। ये देखिए आप, लेदर एंड नीटेड शूज जिके मेंस फुटवेयर, वुमेन्स फुटवेयर, फुटवेयर फॉर जूनियर्स और फॉर एक्सेसरीज, पेस्ट कंट्रोल में देखिए लिक्विड वेपराइजर, एरोसोल्स कॉयल, मॉस्क्यूटो मैट, एक्टिव कार्ड, ये में काम करते हुए नजर आता है कंपनी। जो ये लेदर सेगमेंट है, ये न्यूली ये इंट्रोड्यूस सेगमेंट यहाँ पर इसका कंपनी का है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी के जो बिजनेस डिवीजन के ऊपर बात करेंगे, ये देखिए कंपनी, देखिए ये फाइनोर इन एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी का एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। इसकी मैं बिजनेस मॉडल को आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तो सीधे स्क्रॉल करके इसकी बिजनेस मॉडल के ऊपर मैं चलता हूं। ये देखिए तीन, जनरली तीन बिजनेस मॉडल के साथ काम करता है। देखिए एंटायर डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए इसका जो यूनिट है एक क्लाइंट के लिए डेडिकेटेडली इसको मैन्युफैक्चर करता है। इसको अगर बोलेंगे द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बिल्ड टू सूट एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रिंसिपल इकोनॉमी। देखिए क्लाइंट एक है और इसके लिए तमाम प्रोडक्ट कंपनी बनाता है, वन और मोर ब्रांड्स के और डिफरेंट कैटेगरीज के। नेक्स्ट है एंकोर टेनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, यूनिट एक है, बहुत सारे यहाँ पर एंकर हैं, क्लाइंट हैं, स्मॉल क्लाइंट्स भी हैं, बहुत ऐसे मिल बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर बनाता है मल्टीपल ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट लेवल अपना एक्सपर्टाइज, अपना जो रिसर्च और दूसरे का जो ये दोस्तों प्राइवेट का जो कंटेंट कॉन्सेप्ट लेके ये कंपनी भी काम करता है, लेवल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हुए नजर आता है। बेसिकली अगर देखेंगे तीन बिजनेस मॉडल इसका कंपनी का है। कंपनी का नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आज की परफॉर्मेंस देखिए 4% की गिरावट, 95 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में नजर आ रहा है दोस्तों। गिरावट हो गया तो कंपनी खराब नहीं होता है, ये मैं बार बार कहूँगा दोस्तों। आप एक बार अगर गिरावट चालू हो जाता है तो आप डर जाते हैं और इसमें आप एग्जिट लेने के लिए दोस्तों हर टाइम ये पूछते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। जी दोस्तों, ये देखिए कंपनी खराब नहीं हुआ है, मैं कंपनी का हर पैरामीटर आपके सामने रखा है। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आपको कंपनी को लेके बढ़ा ही होगा। कंपनी जबरदस्त है, आपको कोई भी शेयर सेल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हो सके तो आप इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, एक एक करके एक्युमुलेट करके चल सकते हैं। कंपनी 52 वीक हाई कर देखेंगे 2578 रुपया, अभी देखिए 300 रुपीज़ की ये नीचे कंपनी चल रहा है। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसमें और भी अगर गिरावट आता है तो बिल्कुल पैनिक ना होके इसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी बात करेंगे कंपनी के और कुछ पैरामीटर के ऊपर, रिटर्न प्रोफाइल ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, एक साल का दिखे सिर्फ 50% का रिटर्न है यहाँ पर। ये धीरे धीरे ऐसे कंपनी आगे बढ़ता जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार में ये स्ट्रेट लाइन तरफ भाग जाएगा, भाग भी सकता है और दोस्तों ये और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो ये जैसे जैसे इसका अर्निंग आते जाएंगे, अर्निंग्स रिजल्ट आते जाएंगे दोस्तों, ये कंपनियां ऐसे ऐसे दोस्तों रिएक्ट करते आगे बढ़ते जाएगा। कंपनी की अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज, ये देखिए 50.53% की डिलीवरी यहां पर, महीने की एवरेज डिलीवरी यहां पर निकल के आता है। काफ़ी बढ़िया डिलीवरी भी यहां पर उठाया जा रहा है कंपनी के शेयर्स में। नेक्स्ट है कंपनी के नंबर्स आखिर कैसा है। एनुअली आप देखेंगे एक ज़बरदस्त ग्रोथ यहां पर दिखा रहा है, 2019, 2020 और 2021 का रेवेन्यू से आप यहां पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेट प्रॉफिट में भी क्या देखिए, 2021 में 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का आया था। क्वार्टरली परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए, इसमें देखिए 457 करोड़ जून में था रेवेन्यू, 465 करोड़ सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू आते हुए आपको दिखेगा। नेट प्रॉफिट देख पा रहे हैं आप, इसमें भी देखिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर गिरावट नज़र नहीं आ रहा है, 10 करोड़ दिख रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास 62.62% की होल्डिंग है और दिसंबर क्वार्टर का आंकड़ा है दोस्तों। और FII देखिए यहाँ पर 6.5% की होल्डिंग रखते हैं, DII भी 6.92% की होल्डिंग रखते हैं, पब्लिक देखिए 23.95% की होल्डिंग रखते हुए आपको नजर आएंगे। बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, जो दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट आखिर कैसा है इसको भी हम देख लेते हैं। कंपनी का टोटल रिजर्व सरप्लस देखिए 202 करोड़ का यहां पर है और लॉन्ग टर्म में कर्जा 185 करोड़ है, शॉर्ट टर्म में कोई भी कर्जा नहीं है दोस्तों।
और इसकी अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को देखेंगे, कंपनी का देखिए 58 करोड़ का कैश अपने हाथ में रखता है और कंपनी का टोटल एसेट बढ़ के 697 करोड़ पहुंच गया है। जबरदस्त कंपनी है, बैलेंस शीट भी बेहतरीन मेंटेन करके चल रहा है। आप बिल्कुल पैनिक ना होके दोस्तों इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, बाकी कंप्लीट डिसीजन तो आपके खुद का ही होगा। बस आज के लिए इतना था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।